गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बजट जिस तरीके से कल प्रेजेंट होने वाला है उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, मार्केट को क्या चीजें चाहिए बजट में से और मार्केट को क्या चीजें नहीं चाहिए बजट में से। सो ये सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे एंड कुछ डाटा हम लोगों ने कलेक्ट कर रखा है पास्ट 15 ईयर्स का मार्केट का, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर मार्केट पोस्ट रैली, बजट पोस्ट रैली जो होती है और बिफोर रैली जो होती है उस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। तो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पूरा जो आपका फेब का सीरीज है वो किस तरीके से जा सकता है एंड आप लोगों को बजट वाले दिन ऑलरेडी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डाटा मैंने कलेक्ट करा है दैट इज द वर्स्ट शोइंग इन 15 ईयर्स। यस गाइस, वीक बिफोर बजट, देखिए बजट है कल और वीकेंड हो चुका है, तो जो वीक बिफोर बजट होता है यानी कि जनवरी का जो लास्ट वीक होता है वहां पर हम लोगों ने ऑलमोस्ट अराउंड 15 ईयर्स का डाटा कलेक्ट कर रखा है एंड 15 ईयर्स के डाटा में हम लोगों ने देखा है कि वर्स्ट शोइंग इन 15 ईयर्स निफ्टी का रिटर्न रहा है प्रीवियस पास्ट वीक पे। यस गाइस, सो प्रीवियस जनवरी के लास्ट वीक पे इसने 6.50% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट अराउंड 2007 या 6 पे भी इसने इतना बड़ा रिटर्न नहीं दिया था, मतलब नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया था। तो आप देख सकते हैं कि 15 साल बाद हम लोगों ने क्या देखा है कि मार्केट पे निफ्टी ने बिफोर बजट, वीक बिफोर बजट एक 6.50% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, यानी कि ये वर्स्ट वीक है बिफोर बजट। सो यहाँ पर क्या चेंजेस हो सकते हैं बजट वाले टाइम पे फरवरी के एंड में, वो सारी डिस्कशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग डाटा देखेंगे तो देख सकते हैं कि 2020 पे अराउंड 2.34% का नेगेटिव रिटर्न, 2019 पे 1.34% का नेगेटिव रिटर्न, 2018 पे 0.38% का नेगेटिव रिटर्न। ये गाइस वीक बिफोर बजट है, बजट वाले दिन का डाटा नहीं है, वीक बिफोर बजट है। ओके, सो अगर हम लोग आगे स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं 2013 में भी 0.95% का नेगेटिव रिटर्न था एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 2006 में गाइस 1.05% का पॉजिटिव रिटर्न था। बट आप देख सकते हैं 2007 और 2021 को अगर कंपेयर करें तो बिल्कुल आसपास आ रहे हैं, बट तब भी 2021 वर्स्ट है। अभी तक 2007 में 4.90% का नेगेटिव रिटर्न था बट 2021 पे है 6.50 का नेगेटिव रिटर्न। तो गाइस इससे क्या सिनेरियो चेंज होता है बजट के टाइम पे, क्योंकि डाटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली चीज देखते हैं कि अभी हम लोगों ने क्या देखा कि वीक बिफोर बजट में किस तरीके से सिनेरियो रहा। ठीक है, अब हम देखेंगे पोस्ट बजट में किस तरीके से रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको कंपेयर करके हम लोग एक फाइनल डिसीजन में आएंगे कि फेब का सीरीज किस तरीके से रह सकता है और हमें कैसे डिसीजन लेने हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हैं व्हाट हैपेंड पोस्ट द बजट। अब यहां देख सकते हैं वन मंथ पोस्ट द बजट पॉजिटिव रिटर्न्स इन निफ्टी इज 9 आउट ऑफ द पास्ट 17 बजट्स। यस, सो पास्ट 17 बजट्स जितने भी हुए हैं उसमें से 9 बजट्स में हम लोगों ने पॉजिटिव रिटर्न देखा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर मान के चले तो 50-50% का पॉजिटिव टू नेगेटिव रेशियो है। ठीक है, अगर हम लोग 18 बजट्स को देखते तो ऑलमोस्ट 9:9 ही होता। ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि 50 times पॉजिटिव था मार्केट एंड 50 times नेगेटिव था। बट अगर मार्केट पॉजिटिव था, अब हम लोग एजम्पशन लेकर चल रहे हैं, इफ द मार्केट इज पॉजिटिव तो एवरेज इंक्रीज जो हुआ है निफ्टी के अंदर दैट इज द 6.9% फॉर द मंथ ऑफ गेन्स। यस, सो फरवरी की सीरीज में हम लोगों ने क्या देखा था, अगर मार्केट अपमूव जाती है या इंक्रीज करती है तो एवरेज जो निफ्टी रिटर्न देता है दैट इज द 6.9% इन फरवरी सीरीज। ठीक है, एक बात, ये वाली बात तो हम लोगों को अच्छी लग रही है। प्लस अब एक चीज और देखिएगा, यहां पर आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से समझनी होगी। देखिए, देयर इज अ हाई कोरिलेशन बिटवीन व्हाट हैपेंस ऑन द डे ऑफ द बजट, व्हाट हैपेंस ऑन द डे ऑफ द बजट एंड व्हाट हैपेंस इन दैट मंथ एज वेल। इसमें एक हाई कोरिलेशन है। फॉर एग्जांपल, हम उन लोगों ने देखते हैं कल फॉर एग्जांपल बजट है। ठीक है, कल बजट है, कल बजट पे हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव न्यूज़ेस आ रही है एंड इन द एंड हम लोग देखते हैं कि मार्केट पॉजिटिव में क्लोज करती है। ठीक है, हमारी मार्केट पॉजिटिव में क्लोज करती है तो देयर इज अ वेरी हाई कोरिलेशन, वेरी हाई चांसेस कि वो पूरा मंथ पॉजिटिव में ही निकले। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? हम लोगों ने जिस तरीके से इस डाटा को पुल अप करा है तो हम लोगों को ये पता चला है कि कब हाई कोरिलेशन बन रहा है कि अगर मार्केट नेगेटिव होती है ऑन अ बजट डे तो पूरे महीने मार्केट नेगेटिव रहती है।
ठीक है, रिटर्न्स नेगेटिव आते हैं, बट अगर मार्केट बजट डे वाले दिन क्लोजिंग जो उसकी होती है वो पॉजिटिव होती है, तो हम लोग क्या देखते हैं, जो परसेंटेज वाइज है, जो एवरेज है मार्केट का, वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग देख सकते हैं गाइस। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट विटनेस्ड रिटर्न इन सिमिलर डायरेक्शंस इन 11 आउट ऑफ 17 बजट्स। यस, इसमें आप कोरिलेशन देख पा रहे हैं, मतलब 17 बजट्स में से 11 टाइम बिल्कुल सेम हाई कोरिलेशन पे ही वर्क करी है मार्केट ने। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा अगर हम मान के चल सकते हैं कि हाई कोरिलेशन है एक तरीके से। ठीक है, अगर हम रेशियोज या रिस्क की बात करें तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग इसका एक पूरा डाटा को पुल अप करके एक अगर कंक्लूजन निकालते हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या देखी कि मार्केट का वर्स्ट वीक बिफोर बजट था। ठीक है, मार्केट नीचे भी आ रही है, दूसरी चीज हम लोगों ने देखी, प्लस देयर इज अ हाई कोरिलेशन बिटवीन द व्हाट हैपेंस ऑन द डे ऑफ द बजट एंड व्हाट हैपेंस इन द मंथ एज वेल। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि कल हम लोग डिसाइड करेंगे कि पूरा सीरीज किस तरीके से जाएगा। देखिए, फर्स्ट चीज नेगेटिव है जो कि हमें बता रही है वर्स्ट वीक बिफोर बजट है रिटर्न जो दिया। सेकेंड चीज हमें बता रही है कि अगर मार्केट में कोई नेगेटिव चीज आती है तो हम लोग देखिए, हम अभी आपको इस वीडियो में आगे भी बताएंगे कि क्या मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है, क्या एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, उसके बेसिस पे हम लोग और अच्छे से कॉन्क्लूजन निकालेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा और आगे फर्दर स्टडी करते हैं, उसके बाद कॉन्क्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, व्हाट मार्केट वॉन्ट्स, मार्केट क्या चाहती है बजट में से। सबसे पहली बात तो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होना चाहिए, बिकॉज हमारी जो ग्रोथ थी कोविड के चक्कर में थोड़ी बहुत फॉल कर गई थी, तो अब उसे रिकवर करने के लिए ग्रोथ ओरिएंटेड बजट चाहिए। ठीक है, रेजिंग, सेकंड पॉइंट क्या चाहिए, रेजिंग रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को इंक्रीज करे गवर्नमेंट, बट विदाउट रेजिंग टैक्सेस। ठीक है, बिकॉज इस टाइम कोविड के टाइम पे बहुत लोगों की जॉब्स छूट गई हैं, अब जो सैलरी मिल रही है वो बहुत ज्यादा कम मिल रही है, तो उसकी वजह से अब मार्केट में हम लोग नहीं देखना चाहेंगे कि गवर्नमेंट टैक्सेस भी इंक्लूड कर दे। ठीक है, तो वो चीज हमें नहीं चाहिए। प्लस अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो दैट इज द नंबर वन फोकस हैज टू बी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ही हमारा एक की पॉइंट है। अगर यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं तो आप देख सकते हैं लेबर का यूज होना है। ठीक है, जो भी सारे हम लोग देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीजों को मिलाती है। ठीक है, सारे बहुत सारे सेक्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके से मिलती है, एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि एक ह्यूज अमाउंट दे दिया, बट एक प्रॉपर डाइवर्सिफाई करके एक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तभी हम लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, द फोर्थ चीज इज रोड मैप ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑन स्ट्रैटेजिक एंड नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन के बारे में और सोची कि गवर्नमेंट तो और ज्यादा अच्छा लगेगा मार्केट को, बिकॉज जो भी बैंक से आकर उनको प्राइवेटाइजेशन करने के बारे में सोचती है, दैट इज द कैनरा बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी हो गया, अगर उनको प्राइवेटाइजेशन के सेक्टर में रख रही है तो इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, अब व्हाट मार्केट डोंट वांट, ठीक है, एनी हाइक इन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होल्डिंग पीरियड, यानी कि एसटीटी एलटीजीसी, कोई भी टैक्स में हम लोग देखें मार्केट पे लॉन्ग टर्म टैक्स पे कोई भी हाइक ना आए तो हम लोगों की मार्केट को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप लोग एक पॉइंट तो समझ चुके हैं, हम लोगों ने एक पॉइंट क्या समझा, अगर मार्केट व्हाट मार्केट डजंट वांट के हिसाब से मार्केट चलती है, यानी कि जो जो चीजें हम बोल रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए वो चीजें एप्लीकेबल हो रही है, तो हम लोगों को पता है कि मार्केट विल फॉल। हम लोगों को ये भी पता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो मार्केट के अंदर आया था पीक वीक बिफोर बजट के अंदर, दैट इज द 6.90% का फॉल आया था। सो हम लोग एक बात समझ सकते हैं कि फरवरी का जो सीरीज है वो एक डाउनफॉल में ही आ सकता है। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट हम लोगों को क्या बता रहे हैं, एनी कोविड सरचार्ज ऑन कैपिटल गेन विल बी नेगेटिव। यस, जो ये कोविड का सरचार्ज या सेस लगा सकते हैं कोविड के ऊपर एक टैक्स के बेसिस में, गाइस वो भी हमारी मार्केट को अभी एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जॉब्स बहुत ज्यादा लोगों की छूट चुकी है और जो लग रही है वो बहुत कम पैसों में लग रही है, तो यहाँ पर वो लोग टैक्स नहीं दे पाएंगे। उनकी जो भी सेविंग्स थी वो पूरे साल उन लोगों ने यूज करी है, बिकॉज उन लोगों की जॉब छूट गई थी एंड बिजनेस में भी ज्यादा वर्क नहीं था। ठीक है, तो ये सारे टैक्स रिलेटेड चीजें मार्केट को बहुत ज्यादा नेगेटिव लेकर जा सकती है। ठीक है, और थर्ड लास्ट एंड लास्ट पॉइंट इज हाइक इन एनी वेस्टफुल सब्सिडी। कोई भी वेस्टफुल सब्सिडी को अगर वो बढ़ाते हैं जो हमारे ज्यादातर यूज के लिए नहीं है, तो वो भी मार्केट को नेगेटिव लेकर जा सकती है एंड वहां पर हम लोग एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आप ये चीज देखिएगा एंड आप लोग नंबर्स पे भी जाइएगा, नंबर्स इन द सेंस कि आप लोगों को बताइए कि बजट इज द फिस्कल पॉलिसी जो फिस्कल के बेसिस पे होती है मार्केट।
है, तो वहां पर हम लोगों को देखना है कि क्या नंबर्स आ सकते हैं, अगर नंबर्स पॉजिटिव आ रहे हैं या चांसेस आर हाई कि ग्रोथ इंक्रीज हो सकती है, देन ऑल्सो मार्केट स्टेबल रह सकती है। बट ये तीनों चीजों में से अगर एक चीज भी आएगी तो यहाँ पर मार्केट बहुत शार्पली फॉल कर सकती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। मैं अब आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से स्टॉक्स कौन सी न्यूज पे इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं स्टॉक्स टू वॉच पे। अगर प्राइवेटाइजेशन होता है पीएसबी का, ठीक है, प्राइवेट बैंक्स का अगर प्राइवेटाइजेशन होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का सॉरी, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों फोकस में रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन तीनों स्टॉक्स पे अपनी पोजीशन या वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसमें देखिएगा, ऑब्जर्व करेगा, अगर प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड कोई बात आती है तो इन तीन स्टॉक्स के अंदर एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। प्लस सिगरेट पे अगर हायर टैक्सेस होते हैं, क्योंकि हम लोग को बजट पे यही लगता है कि जब भी बजट आता है तो सिगरेट पे हायर टैक्सेस इंक्रीज हो जाते हैं, अगर इस साल बजट पे सिगरेट पे हायर टैक्स इंक्रीज होता है तो दोबारा आप लोगों को आईटीसी एंड गोदरेज फिलिप्स को देखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर भी एक फॉल आ सकता है। बट अगर हायर टैक्स नहीं करते तो आईटीसी अभी एक अट्रैक्टिव लेवल पे है, यहाँ पर आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दो स्टॉक्स पे आप लोग फोकस कर सकते हैं। प्लस हाउसिंग लोन्स अगर ज्यादा डिडक्शन होते हैं तो यहाँ पर हम लोगों के लिए भी फायदे की बात होगी। जैसे एचडीएफसी बैंक, कौन से स्टॉक्स पे हमें फोकस रखना है, दैट इज द एचडीएफसी, कैल्फिन होम्स एंड एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बट मैं थोड़े आपको दो तीन स्टॉक्स बता रहा हूँ जिसपे अपना फोकस रख सकते हैं, ठीक है। सो अगर हाउसिंग लोन डिडक्ट होता है तो यू कैन फोकस ऑन दीज थ्री स्टॉक्स, दैट इज द एचडीएफसी, कैल्फिन होम्स एंड एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि मार्केट में निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या है। तो हम लोग सीधा डायरेक्टली चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं एंड चार्ट्स की तरफ बढ़ के हम लोग स्टडी करते हैं कि मार्केट किस तरीके से वर्क कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चार्ट्स पे आ चुके हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों को अब जो चीज ऑब्जर्व करनी है वो चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। यस, सबसे पहली चीज हम लोग क्या देख रहे हैं, एक डबल टॉप टाइप सिनेरियो मार्केट ने बनाया है एट अराउंड 14,700 के आसपास मार्केट ने एक डबल टॉप टाइप सिनेरियो बनाया है, ठीक है। इट्स नॉट परफेक्ट, सो आई एम नॉट सेइंग, बट आप देखिएगा वर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऑलमोस्ट सिक्स डेज तक हम लोग एक कंटिन्यूस फॉल देख रहे हैं मार्केट के अंदर, और ऑलमोस्ट 1,000+ points तक की इसने फॉल कर दी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, हम लोगों को फाइंड करना है वेयर इज द सपोर्ट एंड वेयर इज द रेजिस्टेंस। उसके बेसिस पे हम लोग एक रेंज डिसाइड करेंगे मार्केट कहां पर रेंज पे काम कर सकती है, ओके। सो फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड द रेंज। देखिए सबसे पहली चीज आप लोगों को जो ऑब्जर्व करनी है इस पूरी रैली के अंदर, ठीक है, इस पूरी रैली के अंदर जो हम लोगों को ऑब्जर्व करनी है कि मार्केट कब लगातार 6 times फॉल कर रही है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को ना क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर बैक टेस्टिंग करनी है, हम लोगों को साइकोलॉजी समझनी है। अगर साइकोलॉजी और बैक टेस्टिंग हम लोगों ने कर ली तो वी कैन विन द मार्केट, ठीक है, वेदर इन इट्स ऑन अ फॉलिंग साइड और इट्स ऑन अ राइजिंग साइड, ओके। सो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से मार्केट की रैली स्टार्ट हुई है, वी हैव टू ऑब्जर्व फर्स्ट कि मार्केट पे किस टाइम 6 times लगातार फॉल हमें देखने को मिली है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 to 5 times फॉल्स है, यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, इधर भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। देखिए इधर आई है ऑलमोस्ट 6 to 5 times फॉल्स आई है एंड उसके बाद मार्केट रिकवर करी है, तो यहाँ पर एक मार्केट रिकवर करी है तो इट्स अ पॉजिटिव सिग्नल। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर नहीं हुआ, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम नहीं हुआ, प्लस ओके। सो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है दैट इज द फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है, फर्स्ट टू कैंडल्स, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऑलमोस्ट 6 candles का फॉल आया एंड उसके बाद मार्केट गेव एन अप मूव, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को अभी तक क्या पता चला है कि मार्केट कभी भी एक 6 फॉल कर रही है, 6 figure फॉल कर रही है, 6 candle फॉल कर रही है, और उसके बाद अगर एक गैप अप के साथ मार्केट क्लोज करती है सो वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट इज गोना मेक इट्स न्यू हाई एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत इजिली समझ के रखना पड़ेगा एंड किस तरीके से मार्केट कर सकते हैं। ये वीडियो एक दिन के लिए नहीं है, आप पूरे फेब्रुअरी सीरीज में इसको कंटिन्यूसली दे सकते हैं, बिकॉज आई थिंक ये लेवल्स आप लोगों को बहुत अच्छे से बेनिफिट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट मी शो यू वंस अगेन, देखिए एक अप मूव आई, एक फॉल आया एंड एक अप मूव आई, एक फॉल आया एंड एक अप मूव आई, एक फॉल आया, ठीक है। सो मार्केट के लिए जो एक जोन है जिस लेवल से मार्केट बाउंस कर सकती है इज दैट रेंज, बिकॉज इट्स द रिट्रेसमेंट। ये मार्केट ने एक अप मूव करी, एक रिट्रेसमेंट करा, रिट्रेसमेंट करने के बाद एक पुल बैक दिया है, ठीक है। सो मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो यस वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट इज गोना फॉल वेरी शार्पली, बट अगर इस लेवल को ये ब्रेक नहीं करती और यहीं से बाउंस करती है देन ऑल्सो वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड मूवमेंट ऑन अ बाय साइड। बट एक चीज और देखिएगा कि मार्केट ने एक अप मूव करी,
एक रिट्रेसमेंट एंड एक अपमूव और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा। सो दिस लेवल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो मार्केट को कल के कल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो यहाँ देख सकते हैं दैट इज द 13,800। अगर 13,800 के ऊपर कल मार्केट क्लोज देती है सो यस आई कैन एक्सपेक्ट द मार्केट इज गोना मेक इट्स न्यू लाइफ टाइम हाई। बट अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं देती है, इसी लेवल पे क्लोज देती है या नीचे जाती है तो यस वी कैन मेक अ शॉर्ट पोजीशन एज वेल। ठीक है, तो एक चीज को हम लोगों को पता चल गई, अगर मार्केट यही वाली कैंडल के नीचे चली जाती है दैट इज द 13,600 को ब्रेक करती है, प्लीज हियर मी आउट, इफ द मार्केट इज गोना ब्रेक इट्स 13,600 लेवल यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट विद अ टारगेट ऑफ 13,300 एंड 13,180। प्लीज राइट नोट डाउन दैट टारगेट्स। If market is going to break its 13,600 level on a 15 minutes closing time frame, okay? If a one candle close below 13,600 on a 15 minutes time frame, you can go for a short position for a target of 13,350 and 13,200 level, okay? But if market is going to gap up at 13,800, 13,750 or it's going to give an up move, breakout, देखिए gap up होने के बाद अगर वो up move continue करता है, ठीक है, तो yes we can go for a short buy position and हमारा जो target होगा वो gap up से हल्का सा नीचे होगा, because market is going to be very volatile, हम लोग ज़्यादा stop loss risk लेकर चल नहीं सकते, तो हमारा जो risk होगा वो जो भी candle होगी 15 minutes की जो भी candle होगी जिस price पे वो खुला होगा, उसके थोड़ा सा नीचे हमारा stop loss maintain होगा। हमारे टारगेट्स कंटिन्यू हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ करते रहेंगे। ठीक है, सेम गोज विद ऑन अ सेल साइड, अगर मार्केट नीचे ब्रेक करती है तो हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ नीचे टारगेट्स में बुकिंग करते रहेंगे। एंड गाइस कभी भी एक टारगेट एक्सपेक्ट मत करना ऑन अ बजट दे, आप लोग मिनिमम 3 टारगेट्स को एक्सपेक्ट करते हुए चलना, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज को एग्जिट करते हुए चलना। ठीक है, लेट मी शो यू समथिंग एल्स एज वेल। यस, सो यहाँ पर हम लोग अभी तक क्या देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट मी मेक अ ट्रेंड लाइन। ठीक है, दिस इज द टॉप एंड दिस इज द टॉप। सो व्हाट आई एम सीइंग दैट इस टॉप को एक बार इसने रिस्पेक्ट करा, इस टॉप को इसने एक बार रिस्पेक्ट करा एंड इट गिवन ब्रेकआउट एट फ्रॉम दिस लेवल। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा, इट गिवन ब्रेकआउट फ्रॉम दिस लेवल। एक कैंडल की क्लोजिंग अभी देखने को मिली, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे जाके इसने सपोर्ट लिया। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ रेजिस्टेंस एट दिस प्राइस। ये रेड कलर की कैंडल देख रहे हैं, दिस इज द रेजिस्टेंस एंड इसके लेवल पे ही इसने रीटेस्ट करा, इट गिवन अप मूव। सो राइट नाउ मार्केट ने जो भी एक चैनल को ब्रेक करा है, जो भी एक अपर राइजिंग ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक करा था एट फ्रॉम विच टाइम पीरियड, ऑन 11th of December, ऑन December 2020, अगर ये इसको ब्रेक करके दोबारा नीचे आती है दैट विल बी आर सपोर्ट। आप इजीली यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, बट अगर मार्केट एक अपमूव देती है तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया एंड सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने एक अपमूव दे दिया, तो हमारे पास दोनों सिनेरियो बिल्कुल सेम है। यहाँ से मार्केट एक अपमूव भी दे सकती है बट वी विल गो फॉर अ बाय अबव 13,750। यस गाइज, अबव 13,750 वी विल गो फॉर अ बाय एंड बिलो 13,600, बिलो 13,580 वी गो फॉर अ शॉर्ट। ओके, तो ये चीज हम लोगों ने ऑब्जर्व कर ली है। अगर मार्केट सेल साइड में क्लोज करती है तो आई थिंक द चांसेस आर वेरी हाई कि फरवरी का सीरीज नेगेटिव में ही क्लोज होगा, एंड अगर मार्केट पॉजिटिव बेसिस पे क्लोज करती है तो आई थिंक द मार्केट इज गोना रिकवर एंड ये लाइफ टाइम हाई भी अगेन बना सकता है। सो ये सारे ऑब्जर्विंग पॉइंट्स मैंने आप लोगों को क्लियर बेसिस में बता दिए, नाउ इट्स योर डिसीजन टू मेक एंड आप लोग बहुत क्लियरली मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड बहुत अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं। तो गाइज बी पेशेंट्स, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी होने वाली है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होने वाली है। सो गाइज प्लीज डू फोकस ऑन दैट। एंड गाइज वन मोर थिंग, लेट मी शो यू द इंडिया विक्स। इंडिया विक्स इज गोना गिव अ ब्रेकआउट एज वेल, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेंट आप लोगों को रखना पड़ेगा। ये देख सकते हैं, सो इंडिया विक्स ने ऑलमोस्ट 7th of July, जुलाई 2020 से एक रेंज का अंदर ये काम कर रहा है। एज यू कैन सी इट हियर, ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। अगर ये कल के दिन एक ब्रेकआउट देता है, इट्स गोना गिव अ ब्रेकआउट बिकॉज द मार्केट इज गोना बी वेरी 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 वॉलेटाइल, सो इट्स गोना गिव अ ब्रेकआउट। अगर हम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करी है, मार्केट इज ऑन अ हायर साइड, अगर मार्केट एक बहुत हाईस पे काम कर रही है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक रेंज में से इंडिया विक्स ब्रेकआउट देती है ऑन अ हायर साइड, तो मार्केट जो है वो रिवर्स कर जाती है। सो हम लोग अभी देख रहे हैं मार्केट इज ऑन अ पॉजिटिव साइड, मार्केट में तो कोई फॉल आई नहीं है अभी तक, तो यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट टू फॉल। ठीक है, अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट टू फॉल, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि शायद टैक्सेस भी इंक्रीज हो सकते हैं, शायद कोविड का सरचार्ज भी लग सकता है। ठीक है, ये अजम्पशंस हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स या माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को एनालिस्ट के थ्रू ऑब्जर्व करना।
है, जो एस्टीमेट्स लगते हैं। तो इस तरीके से आप लोग काम करिए, एंड आई विल मीट यू टुमारो ऑन द बजट डे एज वेल, डोंट वरी गाइस। ठीक है, सो गाइस गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।